हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय शावर। मेरे शावर में मैं चीजें क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, जिसमें कि शैम्पू होगा, बॉडी शावर होगा, फेस वॉश होगा एंड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड बाय द वे, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूँ, तो मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था और मेरे वीडियो थोड़े लाइनअप है, इसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट या बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने हेयर केयर वीडियो, जिसकी मैं अपने हेयर पे क्या अप्लाई करती हूँ और किस तरीके से अप्लाई करती हूँ और मेरा हेयर का टेक्सचर क्या है, ये भी मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज आपके साथ तो गाइस, मैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला, हेल्पफुल होने वाला, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर केयर, स्किन केयर एंड मेकअप के वीडियोज लेकर आती हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड डेली आप देख रहे हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो वैसे चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं फेस वॉश में क्या यूज करती हूँ। तो मेरे पास जो है, आपको मैं बहुत सारे अपने वीडियो से बता चुकी हूँ स्किन केयर के, कि मैं यूज करती हूँ पेयर्स का फेस वॉश, और मैंने इसका रिव्यू भी दिया हुआ है। और आप नहीं देख रहे, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे पेयर्स फेस वॉश का रिव्यू। और सच में गाइज, ये मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, पिम्पल नहीं है, ऑयली नहीं है, स्टिल मैं पेयर्स का फेस वॉश यूज करती हूँ। क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ही क्लीन और बहुत ही मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है इस फेस वॉश को यूज करने से। मुझे फील होता है कि मेरी स्किन बहुत ही क्लियर एंड क्लियर है, तो इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। बट अगर आपके फेस पे पिंपल नहीं है और स्टिल आपके ऑयली है स्किन, तो आप यूज कर सकते हैं, ये है एवर यूथ का फेस वॉश। और मैं इसको भी यूज करती हूँ, बट कभी कभी वंस इन अ वाइल आप कह सकते हो, बट मैं डेली जो मेरा है शावर में वो है पेयर्स का फेस वॉश। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं जो है क्या शावर जेल यूज करती हूँ अपने डेली शावर में। तो मैं यूज करती हूँ निविया का बेबी शावर है, ये है क्रीमी सॉफ्ट क्रीम शावर माइल्ड सेंट एंड मॉइस्चराइजिंग आलमंड ऑयल। इसमें आलमंड ऑयल भी है और इसका मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है आई गेस। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं इसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि ये कैसा है। और यस ऑफकोर्स लूफा। तो ये सारी चीज ये है जो मैं एक सिंपल एक लौता जो शावर जेल है, जो मुझे फेवरेट, मेरा फेवरेट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट शावर किट में आता है, वो ये है निविया का बॉडी शावर क्रीमी। एंड इसके साथ साथ स्क्रब यूज करती हूँ मैं वंस इन अ वीक। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपको स्क्रब यूज करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी जो डेड स्किन निकल जाती है, ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये यहाँ पे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं, नोज के एरिया में होते हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स, और यहाँ पे होते हैं जो कॉर्नर होता है ना हमारे नोज का, यहाँ पे होता है ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको वंस इन अ वीक जरूर करना चाहिए अप्लाई। तो मैं यूज करती हूँ एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब। और गाइस, ये वॉलनट स्क्रब बहुत अच्छा है, एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब है, रिमूव्स ब्लैक हेड एंड डेड स्किन सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेड स्किन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सारी चीजें जो है ये रिमूव करता है। और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉस्टली चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत टाइम तक चलती है। अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो इसको जो आप ये जो है आप, मैं बता रही हूँ आप, ये मेरा जो स्क्रब है ये 6 to 8 months चलता है, और कभी कभी इससे भी ज्यादा चल जाता है, डिपेंड्स ऑन माई रिक्वायरमेंट। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो 6 to 8 months से कम चलता है, मतलब उतना ही चलता है, और अगर कम होती है रिक्वायरमेंट तो उससे भी ज्यादा चल सकता है। इसके बाद मैंने मैं अपने फेस पे फेस वॉश के साथ साथ आप कह सकते हो कि मैं मॉर्निंग में सोप यूज करती हूँ, और जब इवनिंग होती है, जब मैं बाहर से आती हूँ, तो मैं जो है फेस वॉश यूज करती हूँ। तो जो सोप है मेरा वो है पेयर सोप, इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है बहुत ज्यादा, और मैंने पेयर्स एंड डव में आपको कंपैरिजन करके बताया है कि आप किस तरीके के सोप को यूज कर सकते हैं अपने स्किन के, स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो पेयर्स का जो सोप है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस होती है। और गाइस, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि पेयर्स उनको सूट नहीं करता है, तो गाइस
दैट इज डिपेंड ऑन योर स्किन टेक्सचर, आपका स्किन टोन कैसी, आपकी स्किन टेक्सचर कैसी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सूट करेगा। तो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल आ रहे हैं तो आप पेयर सोप यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है फिर भी आप उसको यूज करना चाहते हैं जैसे कि मैं यूज करती हूँ, तो आपको क्या करना है, पेयर सोप यूज करने के बाद आपको कोई फेस की क्रीम अप्लाई कर लेनी है। फेस क्रीम में आप कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हो, मैं तो मॉइस्चराइजर ही अप्लाई करती हूँ गाइस, और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे बिल्कुल भी कोई नो पिंपल दाग धब्बे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक आप और खर्चा क्यों करो क्रीम खरीदने के लिए, आप जो मॉइस्चराइजर यूज करते हो अपने फेस पे अपने बॉडी पे वो आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ड्राई स्किन वाले तो आप पेयर्स यूज करने के बाद अपने फेस पे कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले या फिर क्रीम अप्लाई कर ले, फेस क्रीम, डे क्रीम, और अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है, पिंपल आ रहे हैं, तो फिर आप इसको जस्ट यूज कर सकते हैं एज इट इज शावर लेते टाइम पे। इसके बाद बात कर लेते हैं मैं जो है शैम्पू कौन सा यूज करती हूँ। तो गाइस शैम्पू में मैं यूज करती हूँ लॉरियल का शैम्पू, और गाइस ये शैम्पू जो लॉरियल का है ये है टोटल रिपेयर एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू, और ये हमारे जो हेयर फॉल होते हैं, ड्राइनेस होती है, रफनेस होती है, डलनेस होती है, स्प्लिट एंड्स होते हैं, डैमेज्ड हेयर के लिए है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बहुत बार शेयर किया हुआ है कि जैसे मेरी स्किन बहुत ही ड्राई, उस तरीके से मेरे स्कैल्प भी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ये जो लॉरियल का जो ये रेड कलर में आता है ये आप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ गाइस, तो ये मेरे जो स्कैल्प है उसको बहुत ही अच्छा है बेनिफिट देता है। हेयर फॉल, देखिए हेयर फॉल होने के दो रीजन होते हैं, एक तो आपका जेनेटिक होता है, एक आपका होता है कि किसी रीजन से होता है, कभी ड्राइनेस होता है, रफनेस से होता है। तो जैसे मेरा है वो मेरा जेनेटिक है, मैं कितना भी कर लूंगी मैं थोड़े बहुत हेयर फॉल होते ही होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कभी होता है वाटर चेंज होता है उससे हो जाता है, कभी होता है कुछ किसी ना किसी रीजन से हेयर फॉल थोड़े बहुत होते ही होते हैं। बट गाइस जब से मैं ये शैम्पू यूज कर रही हूँ मुझे हेयर फॉल कम हो गए, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल खत्म हो गए, हाँ कम हो गए, क्योंकि मेरा जेनेटिक है हेयर फॉल होना। और हेयर फॉल ये शैम्पू यूज करने के बाद मैं कोई कंडीशनर नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे स्कैल्प और ड्राई है, तो मैं जब ड्राई स्कैल्प पे कंडीशनर अप्लाई करती हूँ तो मेरे जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं कंडीशनर अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं जो है अपना हेयर वॉश करने के बाद जब बाहर आती हूँ वॉशरूम से तो मैं यूज करती हूँ सीरम, और ये है स्ट्रिक्स का सीरम, और ये हमारे वॉलनट ऑयल का है ये, और ये जो सीरम है ये जो हमारे हेयर है उनको बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, शाइनी हेयर होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मेरे हेयर है थोड़ा प्रॉपर ब्लैक है, मैंने कोई कलरिंग नहीं कराई है, कुछ नहीं कराया, जस्ट मैं हिना अप्लाई करती हूँ कभी कभी, उसकी वजह से लिटिल बट आपको ब्राउनिश दिख रहा होगा, बट मेरे जो हेयर है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं यूज करती हूँ सीरम, ये है स्ट्रिक्स का सीरम हेयर सीरम एंड विथ वॉलनट ऑयल। तो ये जो स्ट्रिक्स का सीरम है गाइस बहुत अच्छा है, काफी दिन तक चलता है, और इसको यूज करने का भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जस्ट आपको लेना है एक बूंद और अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आपको हेयर लेंथ पे अप्लाई कर लेना है। कभी भी आपको सीरम अपने जो स्कैल्प होती है उस पर अप्लाई नहीं करना, ओनली एंड ओनली हेयर लेंथ पे ही अप्लाई करना है। तो इसकी वजह से मेरे जो हेयर है बहुत ही सॉफ्ट है, सिल्की है एंड जस्ट ब्लैक भी है, काफी अच्छे काफी हद तक ब्लैक है। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप किस तरीके से अगर आपकी स्किन कैसी है, कौन सी चीज आप यूज कर सकते हैं, मेरी स्किन कैसी है, अगर आपकी स्किन मेरी स्किन से मैच करती है मतलब ड्राई है और फिर भी आप कुछ यूज करना चाहते हैं जैसे कि पेयर सोप, पेयर फेस वॉश, तो आप उसके बाद क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है मिलते हैं अच्छे से एक प्यारे से एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।